ये रानी साहिबा की याददाश्त वापस लाने का कोई तरीका तो नहीं है ना? मतलब कोई तरीका है क्या कि ना के है कि ना है? है ना, जहाँ बना इनकी याददाश्त वापस लाने का एक ही तरीका है, इनकी पुरानी जिंदगी में वापस ले जाया जाए। वही प्यार, वही मोहब्बत, वही नफरत, वह सारी चीजें याद दिलाई जाए, एक एक चीजें याद दिलाई जाए, तो इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। ये रानी साहिबा की याददाश्त को वापस आने में कितना वक्त लगेगा? एक दिन? बस एक महीना? एक साल? अरे वाह! नहीं नहीं, मतलब ये भी हो सकता है कि इनकी याददाश्त कभी वापस आए ही नहीं। नहीं, हमारे ख्याल से रानी साहिबा को कुछ वक्त के लिए अकेला छोड़ दिया जाए। हाँ, इनको अकेला छोड़ देना चाहिए। वैसे याददाश्त गई है ना इनकी? रानी साहिबा, आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। आपके खाविंद, आपके पति ये हैं, ये। अरे अरे, हम तो मजाक कर रहे थे, ये चलिए 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 इनको लेकर चलिए बाहर। पति गए, हम मजाक मजाक कर रहे थे हम। आइए आइए। कैसी रही? वाह मौसी, वाह छोटी मौसी, क्या कमाल का अभिनय किया आपने। अरे अभिनय हमने क्या किया, अभिनय तुमने किया। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ मैं, ये कौन सी जगह है, कौन पति, कौन बेटा, कौन भाई, और यहाँ तो यहाँ कौन मौसी। अरे अब तुम्हारा नाटक इतना जबरदस्त रहा कि सबको आश्वासन हो गया है कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। हाँ मौसी, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। अब हम बस जानना चाहते हैं कि हमारे पति के दिल में और बाकी सबके दिल में हमारे बारे में क्या चल रहा है। देखती जाओ मेरी नाजुक कली, आगे आगे क्या होता है। तुम्हारी मौसी का छोड़ा हुआ तीर है, चूकेगा नहीं। बस तुम ये नाटक जारी रखो और सबको भरोसा दिलाओ कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है, और टटोलो अपने पति के दिल को, पता तो चले तुम्हारी याददाश्त जाने से वो क्या फायदा उठाते हैं और क्या नहीं, और बाकी सब क्या सोचते हैं। इसी बात पे मेरी बनो खीरा खा। नहीं नहीं, आप खाओ। आई 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 रानी साहब, आई। जहाँ पना, कैसे बताएं आपको, हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आप हमारे। क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं आप? आई आई आई, हमें तो यकीन ही नहीं होता कि आप हमारे पति हो, लेकिन जब इन सब ने हमें सबूत दिखाए, विश्वास दिलाया, तब हमें यकीन हुआ कि आप हमारे पति हो। हमारी बदकिस्मती। क्या? हमारी बदकिस्मती कि आपके साथ ऐसा हुआ। जापना, हम एक बात बताइए, हम कैसी बीवी थी आपकी? हम बताएं आपको? हाँ, हम आपको बताते हैं कि आप कैसी बीवी थी। हम कहाँ से शुरू करें समझ में नहीं आ रहा, मतलब आप इतनी कमाल की बीवी थी कि आपको क्या बताएं। आपने हमें पूरी पूरी आजादी दे रखी, जब चाहो जाओ, जब चाहो आओ, जब चाहे शतरंज खेलें, जब चाहे उर्वशी का नृत्य देखें, जब चाहे मदिरा पिए, जब चाहे जश्न मनाएं, जो चाहे करें, जरा सी भी रोक टोक नहीं, जरा सी भी झिक झिक नहीं। ऐसी ऐसी कमाल की बीवी थी आप, मुकम्मल जिंदगी थी हमारी। और देखिए, आपको अपने दिमाग पे ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद नहीं आता है तो आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना, हम आपको याद दिलाते रहेंगे। अच्छा, आप इतनी सी भी कोई मांग नहीं थी आप, इतनी सी भी फरमाइश नहीं करती थी आप, एक कान का झुमका तक आपने कभी नहीं मांगा हमसे, नहीं, बिल्कुल नहीं। बस हाथ जोड़ के सर झुकाए हमारे सामने खड़ी रहती थी आप, हमारे हर हुक्म की तामील करती थी आप। हम कहते थे खड़ी हो जाओ तो आप खड़ी हो जाती, हम कहते थे बैठ जाओ तो आप बैठ जाती, हम कहते थे दफा हो जाओ तो आप दफा हो जाती थी।
सबसे पहले हमें लगता है कि आपको यहां से दफा होना पड़ेगा, क्योंकि सच्चाई आपके गले में उतर नहीं रही है, ऐसा हम देख रहे हैं। और खबरदार, अगर रानी साहिबा को कोई और सच्चाई अलग से बताने की कोशिश की तो जितनी सच्चाई उन्हें बतानी है वो हम बता रहे हैं और बताते रहेंगे। आई बात समझ में आपको? अब आप दफा हो सकते हैं। हाँ, तो रानी साहिबा, हम आपको बता रहे थे। हाँ, हम बहुत ही अच्छी बीवी थी। कमाल की, मतलब आपसे ज्यादा सुशील, संस्कारी, मधुर स्वर वाली बीवी हमने जिंदगी में नहीं देखी। बहुत याद आते हैं हमको वो दिन। काश आप फिर से एक बार वो पहली वाली बीवी बन जाए हमारी। लेकिन आप घबराइए मत, आपको अगर याद नहीं आया तो हम आपको याद दिलाते रहेंगे, याद दिलाते रहेंगे हम। जहाँ बना, हम कोशिश करेंगे कि हम वैसी वाली बीवी बनकर रहे जैसे आपने अभी बताया। ये हमारा वादा रहा आपसे। बस बस वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत है, क्या ये हमारा है? छोड़िए। नहीं रानी साहिबा, हार नहीं, बार बार ये पूछना छोड़िए, क्या ये हमारा है, क्या ये हमारा है। अरे, यहाँ पर जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ आपका ही है। ये कमरा आपका है, ये जेवर आपके हैं, ये महल आपका है, यहाँ तक कि हम भी आपके ही है। सुनिए सुनिए, ये रुदुम्बा भी हमारी है। उर्वशी, उर्वशी, हम तो भूल ही गए। उर्वशी छोड़िए, अब क्या छोड़े? अरे यूं हैरान होना छोड़िए, क्या हम आपसे झूठ बोलेंगे रानी साहिबा? पता है, जब से आपकी याददाश्त गई है ना, आप सब कुछ भूल चुकी हैं। कम से कम इतना तो याद रखती कि आप हमसे कितना प्यार, कितना स्नेह करती हैं। हम आपसे स्नेह करती थी जगदम्बा? उर्वशी, और उर्वशी, अब मौसी देखिए, याददाश्त चली गई उर्वशी। आपको पता है, कुछ दिन पहले जहाँ पना ने आपको बुलाकर ये कहा था, देखिए रानी साहिबा, देखिए हमारी राज नर्तकी उर्वशी कितना अच्छा नृत्य करती है, कितनी प्रतिभाशाली है, हमारे इस दरबार की शान है। उन्होंने तो ये भी कहा था कि इस प्रतिभा को मोतियों में तोलना चाहिए, सोने के सिक्कों में तोलना चाहिए। और तब तो जहाँ पना के सामने आप ही ने हमसे वादा किया था कि आप हमें 5 जरी वाली साड़ियाँ, 2 हीरो का हार, दोनों हाथों के लिए सोने के कंगन और 2 बड़ी बड़ी अंगूठियाँ देंगी। हमने वादा किया था। हाँ, और आपने तो ये तक कहा था कि अरे ये उर्वशी सिर्फ राज दरबार की शान नहीं बल्कि हमारी छोटी बहन जैसी है। अच्छा, हमने ऐसा भी कहा था? हाँ, और आपने तो ये भी कहा था कि मायके से आने के बाद आप हमें ये सब बनवा देंगी। लेकिन अब क्या फायदा, आप तो सब कुछ भूल चुकी हैं। नहीं, याददाश्त खोने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने वादे से मुकर जाएंगे। हम वो सारी चीजें बनवाएंगे जिसका हमने वादा किया है। सच? हाँ हाँ दीदी, आप मेरी बड़ी बहन जो है। छोटी बहन? बड़ी बहन, आप हमसे कितनी बड़ी दिखती हो। ठीक है, बड़ी बहन हो या छोटी बहन हो, क्या फर्क पड़ता है ना? लेकिन आपको अपना वादा तो याद है ना? जरूर जरूर, वो सब बनवा के देंगे। आइए, गले लग जाइए हमारे। थोड़ा ज्यादा प्यार आ गया तुम पर। छोड़िए, हम चलते हैं। संभल के चंद्रमुखी। उर्वशी। हाँ, याद आया, उर्वशी।